हेलो एवरीवन, एमएनए क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज मैं ये डिज़ाइन लेके आई हूँ जिसको मैं बनाना बताऊँगी। ये कलर्स का डिज़ाइन है और इसको बनाने में कितना वायर लगता है और इसको स्टार्टिंग कैसे करना है, तो वो आज मैं बताऊँगी कि आप स्टार्टिंग से लास्ट तक कैसे बनाइएगा। तो चलिए, अब यहाँ से मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आप ये स्टैंड ले लीजिए जो मार्केट में आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। तो ये बड़ा वाला स्टैंड है, इसमें एक छोटा वाला भी आता है। तो ये कलर्स का डिज़ाइन बनाने में आप बड़ा वाला ही लीजिए तो अच्छा बनेगा। आप तो कोई भी कलर का ले सकते हैं। तो यहाँ पे हरा कलर का वायर से ये गुलदस्ता बनाने वाली हूँ। तो ये हरा कलर का कपड़ा मैं इसमें स्टैंड में लपेट दे रही हूँ, क्योंकि स्टैंड में थोड़ा धार रहता है, जो प्लास्टिक का पाइप होता है उसको कटने का डर रहता है। दूसरा कलर का पाइप आप ले रहे हैं तो आप दूसरा कलर मैचिंग जो भी कलर हो तो वो कलर का कपड़ा स्टैंड में लपेट दीजिएगा। ये होता है कि लपेटने के बाद वो मैचिंग कलर देने से पता नहीं चलता है कि इसमें कपड़ा भी लपेटा हुआ है और वायर कटता भी नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे दो पैकेट वायर लगेगा और उसके बाद ये स्टैंड है और ये पैकेट, ये पत्ती है और ये उसके बाद ये फूल में लगाने वाला अर्ब का मन है तो आप दो पैकेट वाला पत्ती भी लगा सकते हैं दो करके। तो यहाँ से वायर को हम काटना स्टार्ट करते हैं कि कितना इंच का इसमें हमको वायर लगेगा। तो सबसे पहले हम बंडल को खोल लिए हैं और यहाँ से वायर को काटना स्टार्ट करते हैं। ये पूरा गुलदस्ता को बनाने में हमको थोड़ा बड़ा वायर लगेगा, लगभग 9 फीट 4 इंच का लगेगा। अगर आपके पास कोई नापने वाला इंच नहीं है तो मैं इसको आगे भी बता रही हूँ कि आपको कैसे नाप के काटना है, तो आप समझ जाइएगा। आप इस तरीके से यहाँ पे वायर को नाप नाप के टोटल काट लीजिएगा। टोटल 30 वायर हमको काटने होते हैं ये गुलदस्ता बनाने में। अगर आपके पास कोई नहीं है सामान नापने वाला तो आप इस तरीके से हाथ से भी नाप सकते हैं। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 मैंने हाथ से विता से नाप लिए हैं और 8 का दुगुना करके 16 हम इसी तरीके से काट लिए हैं। आपको एक वायर इसी तरीके से काटना है और इसी तरीके से नाप नाप के टोटल 30 वायर इसमें लगेंगे। तो ये टोटल 30 पहले से ही मैं यहाँ पे काट के रखी हुई थी, बस आपको समझाने के लिए ये बता रही थी कि आपको कितना काटना है। तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी कि आपको स्टार्टिंग कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि पाइप को लेना है और एक एक करके हमको यहाँ से स्टार्टिंग करना है। आगे देखिए क्या करना है। आप ध्यान से देखते हुए बनाइएगा तो हो जाएगा, बहुत ही आसान है ये गुलदस्ता बनाने में और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है ये डिजाइन। अब देखिए कि इस तरीके से ध्यान से देख के आप कीजिए और एक अंगूठे से हमेशा यहाँ पे दबा के रखना होता है, क्योंकि दबाने से इसका ये जो होता है अच्छे से पूरा ये स्टैंड में सेट हो जाता है और अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा भी मतलब ये इधर उधर नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा से ये सेट हो रहा है। आप इसी तरीके से एक एक करके वायर देते जाइएगा और टोटल जो अभी 30 वायर कट किए हैं तो उसको अभी हम यहाँ पे सेट कर लेंगे स्टैंड में। तो कैसे सेट करना है आगे देखते हुए आप लोग देखते रहिए और बनाते रहिए और ध्यान से देखते हुए बनाइएगा तो हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी बनाने नहीं आता है तो ये वीडियो देख के आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी।
और ये वायर का जो पाइप होता है दोनों, जब हम डबल करते हैं तो उसका वो अंतिम छोर वाला जो मुंह होता है उसको हमको सेट करना होता है, एक सेम होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ध्यान से कैसे इसमें कर रहे हैं हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग ज़रूर घर पे ये डिज़ाइन बना के देखिएगा। अगर जो जो लोग से ये सेम बन जाएंगे तो वो लोग हमको कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ये वीडियो देख के आपको ये सेम ज़रूर बन जाएंगे। जिस तरीके से अभी हम बता रहे हैं आप उसी तरीके से बनाइएगा। तो इसको पूरा बनाने के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। अभी हम स्टार्टिंग बता रहे हैं कि एक एक करके वायर किस तरीके से देना है हमको। इसी तरीके से टोटल जो अभी हम 30 वायर कट किए हैं तो उसको इसी स्टैंड में टोटल सेट कर देंगे। देख रहे हैं कि कितना अच्छा से ये सेट हो रहा है, और इसका जो अंतिम वाला छोर है ये टोटल एक साइज का है। एक साइज होने से ये होता है कि हमको लास्ट तक पत्ती बनाने में काफ़ी आसानी होती है। इसी तरीके से हम पूरा वायर को एक बंडल में सेट कर लेंगे। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि किसे इसमें सेट किया हुआ है। ये देखिए कि पूरे ये जो 30 पाइप मैंने यहाँ पे कट किए थे तो उसको अभी सेट करते हुए लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट वाला बहुत दिक्कत होता है वो लोग को बनाने में, तो अभी हम यहाँ पे लास्ट में बता रहे हैं कि कैसे करना है। ये लास्ट वाला वायर को भी इसी तरीके से हमको सेट कर देना है, जिससे हम ये सारे किए हैं बस उसी तरीके से। ये देखिए फुल कंप्लीट हो गए हैं एक राउंड। हमको टोटल यहाँ पे पांच राउंड ही बनाने हैं, और उसके बाद ऊपर क्या करना है आगे देखिए। बस यहाँ से दूसरा राउंड बस स्टार्ट होगा, बस इसी तरीके से हमको बनाते हुए जाना है। आप लोग ध्यान से देखते हुए बनाइए। आप देख रहे हैं कि पूरा ये जो था वायर पूरा सेट हो गया कितना अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों के पास ये स्टैंड नहीं मिलेगा तो आपके घर में पुराने लौटी या चूड़ी हो उससे भी आप उसमें कपड़ा लपेट के बना सकते हैं, वो भी काफ़ी खूबसूरत होगा बस इसी तरीके से। लेकिन स्टैंड अगर मिल जाए तो स्टैंड में ही बनाइए, वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। आप देख रहे हैं कि ये सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गए हैं। बस यहाँ से जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहीं से शुरू वाला राउंड वहीं से काउंटिंग करते हुए बनाते हुए जाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसमें स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें ये टोटल 5 राउंड बनाए हुए हैं डबल पाइप का। उसके बाद आगे क्या करना है वो देखिए। तो अभी हम टोटल 5 राउंड बना लेंगे ये इसी तरीके से। इतना बनाइए तो आगे देखते हैं कि क्या करना है। देखिए यहाँ से टोटल बनाते हुए आ गए हैं 5वां राउंड पे, और फुली कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। आपको बना के बताएंगे कि आगे हमको ऊपर क्या करना है ये डिजाइन फुल कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से आप देखते रहिए। अब देखिए यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे तो टोटल यहाँ पे 4 लाइन ही पूरे हुए हैं, तो बस 2 लाइन और बचे हुए हैं, तो उसको अभी हम बना लेंगे।
अब देखिए यहाँ से पूरे हो गए हैं काउंटिंग, जिधर से भी आप कीजिएगा तो टोटल 5 लाइन पूरने चाहिए। कहीं से भी आप काउंटिंग करिएगा नीचे से तो वो 5 लाइन पूरने चाहिए, तभी वो एक रंग सेम सेम बनेंगे। तो देखिए आप जिस साइड से भी काउंटिंग कर रहे हैं तो वहाँ से हमको टोटल 5 राउंड हो गए हैं। तो अब यहाँ से हम एक एक करके फिर से उसी तरीके से बनाएंगे। उस समय से हम दो दो करके बना रहे थे, अब यहाँ से एक एक वायर को लेके बनाएंगे। जब डबल किए थे तो उसको सिंगल कर देंगे। अब देखिए कि कैसे सिंगल किया हुआ है ध्यान से। अब हम इसी तरीके से पूरे एक राउंड बनाएंगे। यहाँ से ये डिजाइन बनाने में यहाँ से यह फैलना स्टार्ट हो जाता है। जब नीचे वो बनाए थे डबल करके और यहाँ से एक एक करेंगे तो यहीं से ये कलश का डिजाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा और यहीं से यह फैलना स्टार्ट हो जाएगा। जितना हम इसको बनेंगे उतना ये बड़ा फैल के मेरा तैयार हो जाएगा इसका ये स्टेप। बस अब हमको ये इसी तरीके से बनाते हुए जाना है ऊपर की ओर। अब इतना ये देखिए कि पूरा एक राउंड हम इसी तरीके से बनाएंगे जिसमें इसे ये बनाया हुआ है। पांचवा राउंड के बाद ये डबल, तो इतना अब ये एक एक ही हमको बिनना है। बस एक एक ही करके बनाते हुए जाएंगे और टोटल ऊपर की ओर बढ़ते हुए तो वो यहाँ से अब फैलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे हमको क्या करना है उसके बाद देखते हैं। बस इतना बनाइए उसके बाद अब देख रहे हैं बस उसी तरीके से इसमें हम बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ से पूरे एक राउंड हो गए हैं और उसके बाद दूसरा राउंड बस इसी तरीके से स्टार्ट करना है। एक राउंड के बाद जस्ट उसी लाइन से हमको दूसरा लाइन स्टार्ट हो जाएंगे और दूसरा के बाद तीसरा, इसी तरीके से हमको टोटल 9 लाइन इसमें एक एक करके बनानी है। उसके बाद आगे ऊपर की ओर फिर क्या करना है तो देखेंगे। तो उतना अभी बना लेते हैं तो देखते हैं कि आगे क्या करना है। देख रहे हैं कि नीचे डबल डबल करके बनाए थे और ऊपर एक एक करके बनाना है और जितना हम इसको बनाते हुए जाएंगे वो इतना ये फैलेगा। आप देख रहे हैं कितना अच्छा से इसमें ये फैला हुआ है। बस इसी तरीके से उसमें भी होगा। बस एक एक करके ही इधर बनाने हैं पूरे डबल। यहाँ से हमको ये डबल लाइन स्टार्ट हो गए हैं। अब देखने की दूसरा जो लाइन है वो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। फर्स्ट लाइन में थोड़ी, और जितना हम उसको ऊपर बनाते हुए जाएंगे और काफ़ी खूबसूरत होगा बनाते बनाते। बस हमको इसी तरीके से सीधे सीधे बनाते हुए 9 लाइन बनाने हैं। तो देखिए अब यहाँ से हम 9 लाइन पर आ गए हैं, लास्ट लाइन है और इसके आगे अब हमको क्या करना है तो वो देखिए। नीचे का ये 5 लाइन था डबल डबल और यहाँ से अब देख लीजिए अच्छे से कि एक एक करके हम बनाए हैं टोटल ये 9 लाइन है और यहाँ से हमको ये 9 लाइन है। तो यहाँ से अब हमको वो फिर ऊपर का स्टेप बनाना है। तो ऊपर का स्टेप ये वाला स्टेप जो है आप देख रहे हैं ये बन गया है और वो ऊपर वाला जो है वो अब हम बनाएंगे। अब देखिए कि ये कैसे बनाते हैं ध्यान से। टोटल चारों तरफ से हमको काउंटिंग करने पर 9 लाइन पूर जाने चाहिए तभी होगा। तो अब यहाँ से हम डबल कर देंगे, नीचे जब डबल था बस उसी तरीके से यहाँ से दो दो करके हम बनाना स्टार्ट करेंगे ऊपर की ओर।
आप देखिए ध्यान से कि कैसे डबल किया जा रहा है पाइप को। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छे से ये होता है, ये टाइटली थोड़ा बनाते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। तो आप लोग भी थोड़ा अच्छा से इसको बनाइएगा। इसी तरीके से हमको टोटल वायर को डबल कर करके बनाने हैं, जैसे नीचे थे बस उसी तरीके से। और नीचे जब पाइप ये यहाँ से 5 लाइन बनाए थे, ऊपर भी हमको ये 5 लाइन ही बनाने हैं, और बीच में 9 लाइन अभी हम बना लिए हैं। और 5 लाइन बनाने के बाद हमको पत्ती बनाना है। तो पत्ती कैसे बनाना है तो वो भी यहाँ पे बताऊंगी आगे कि कैसे करना है। तब तक ये 5 लाइन डबल डबल करके बना रहे हैं। इतना बनाने के बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। आप देख रहे हैं कि ये डबल डबल करके हमको ये पूरे राउंड बनाने हैं। तो इतना पूरे राउंड पहले एक राउंड बना लेते हैं। तो देखते हैं कि सेकंड राउंड में क्या करना है। आप देखिए कि यहाँ पर ये पूरे एक राउंड हो गए हैं और सेकंड राउंड यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि सेकंड राउंड में भी उसी तरीके से किया हुआ है। तो फिर हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे अभी हम किए हैं, जस्ट बस सेकंड राउंड भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। और इसी तरीके से हमको टोटल 5 राउंड तक बनाने हैं। देखिए टोटल ये 5 हो गए हैं। तो शुरू में जैसे 5 किए थे बस ऊपर इसी तरीके से 5 लाइन ही बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ से हम पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पत्ती बनाने के लिए आगे क्या करना है तो वो देखिए कि पत्ती कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमको चारों तरफ से काउंटिंग कर कर के देखना है कि चारों तरफ से हमको ये पूरे हुए हैं कि नहीं। और आप देख रहे हैं कि इसका शेप कितना अच्छा हुआ है, कलश का डिजाइन। तो आप इसको पोट बनाना भी बोल सकते हैं। आप लोग बहुत लोग बोलते हैं कि पोट कैसे बनता है। इसे पिछले वाला वीडियो में कमेंट में आया था कि पोट बनाना बताइए, तो इसीलिए यहाँ पे अब ये डिजाइन पोट बनाना मैं लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। तो देखिए यहाँ से पत्ती कैसे बनना स्टार्ट हो गया है। बस हमको फिर वही एक एक करके, डबल अभी था तो इसको फिर एक एक करके बनाने हैं। एक राउंड ही इसमें पत्ती के लिए बनता है, तो एक राउंड पूरे बनाएंगे एक एक करके। उसके बाद वहीं से पत्ती बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो पत्ती बनने के बाद हमको डंटी भी बनाने हैं इसमें। तो डंटी कैसे बनते हैं और पत्ती कैसे बनते हैं तो आगे आप देखिए। बस अभी हमको बस एक लाइन ही हमको एक एक करके बनाने हैं। आप इसी तरीके से बस एक एक करके बनाइए। हमको इसी तरीके से पूरे एक राउंड एक एक करके ही बनाने हैं। तो आप देखिए कि पूरे एक राउंड हो गए हैं।
अब यहाँ से जस्ट पत्ती बनाना स्टार्टिंग कर रहे हैं कि कैसे ये पत्ती बनेंगे यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि इसका शेप कितना अच्छा बन के तैयार हो गया, और बीच वाला भी देखिए कि कितना अच्छा हुआ है। बस पत्ती बनाने के लिए हमको ये करना है 10-10 पाइप को, देख रहे हैं कि यहाँ से पत्ती बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसको अभी हम काउंटिंग करके टोटल 10-10 अलग कर लेंगे, क्योंकि उस समय 30 पाइप को डबल किए थे तो ये टोटल 60 पाइप हो गए हैं 60। तो हमको ये 10-10 काउंटिंग करके अलग अलग भाग में इसको इसी तरीके से अलग अलग कर लेते हैं। और इस तरीके से करने से ये होता है कि हमको पत्ती बनाने में आसानी होगी। आप इसी तरीके से इसको अलग अलग कर लीजिए, उसके बाद हम पत्ती बनाएंगे कि आगे क्या करना है। टोटल को पहले हम गिन के और अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कलश का डिज़ाइन में टोटल 6 पत्ती बनाते हैं, तो इसीलिए हम 10-10 करके ही बना रहे हैं। बहुत लोग होता है कि 5 पत्ती या 4 पत्ती भी बना सकते हैं इसमें। तो टोटल पत्ती में आप गिनती करके और अलग अलग करके एक रंग वायर दीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ पर मैं पत्ती बनाना बताऊँगी। सबसे पहले हमको स्टार्टिंग का ये जो 10वां पाइप था, तो स्टार्टिंग का एक पाइप लेंगे और उसी से पत्ती बनाएंगे। आप ध्यान से देखिए कि कैसे बन रहा है पत्ती। इसी को लेके अब ये जो 10 को पाइप बचल था, 9 को एक लेके तो अभी हम बना रहे हैं, तो वो 9 बचा है, तो 9 को इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और बना रहे हैं। आप लोग भी इसी तरीके से पत्ती ध्यान से देख के बनाइएगा तो पत्ती का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा होगा। बहुत लोग बनाते हैं पर थोड़ा छोटा भी होता है, और कुछ पत्ती होता है ये लंबा वाला होता है। तो मैं यहाँ पे लंबा साइज में बनाऊंगी पत्ती। आप देखिए नीचे का फर्स्ट लाइन बन गया है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। फिर से वो इसी वायर जो बचा हुआ था यहाँ पे 9, तो वो उसी में से एक लेके मैंने यहाँ पे बनाना फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। इसी तरीके से टोटल जो 10 में से मतलब एक एक घटते हुए जाएंगे और लास्ट में इस साइड छोड़ते हुए जाएंगे। अभी जो हम लास्ट में आके उसको छोड़ दे रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे बाद में उसी से हम डंटी बनाएंगे। आगे देखिए कि डंटी कैसे बनेगा और पत्ती में फुल कंप्लीट कैसे होगा। आप देख रहे हैं कि एक एक करके अभी हम बनाते हुए जा रहे हैं। अब बस इसी तरीके से एक एक करके बनाएंगे, फुल कंप्लीट हो जाएंगे ये पत्ती। बस हमको ये ध्यान में रखना है कि बस एक लाइन करके वायर को फुली लाइन में हमको बनाते हुए जाना है, और लास्ट में इस साइड वो वायर को छोड़ते हुए जाना है। तो आप देख रहे हैं कि ये लास्ट तक हम इसी तरीके से बना रहे हैं। Thank you.
अब देखिए कि लास्ट में आ गए हैं और लास्ट वाला पाइप है, इसको क्या करते हैं। लास्ट वाला जो एक पाइप बचेगा उसको हमको कुछ नहीं करना है, बस इसी तरीके से छोड़ देना है। जब हम इसमें डंडी बनाएंगे तो आप इसी तरीके से टोटल 5 पत्ती और बचा हुआ आप बना लीजिए। आप देख रहे थे कि एक पत्ती कैसे है बन गया है, आप उसी तरीके से टोटल 5 पत्ती यहाँ पे मैं बना लूँगी। तो देखिए कि ये टोटल 5 पत्ती बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ से डंडी बनना स्टार्ट होगा। कैसे डंडी बनेगा, तो डंडी बनाने के लिए हमको क्या करेंगे, ये थोड़ा बचा हुआ था लास्ट वाला में, तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ बना के कि लास्ट में कैसे करना है। तो ये लास्ट वाला पत्ती भी ये बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ से बस जस्ट आपको डंडी बनाने वाली हूँ कि कैसे डंडी बनेगा। आप देखिए ध्यान से कि क्या करते हैं, आप ध्यान से देखते हुए डंडी बनाना स्टार्ट कीजिए। तो ये वायर को स्टार्टिंग वाला जो नीचे वाला था उसको नीचे रखते हुए आराम से इसको एक के बाद एक करके पूरे अच्छे से सेट कर दूंगी। और सेट करने के बाद ये जो वायर बचा हुआ है ऊपर वाला वायर, तो इसको यहाँ से लपेटना स्टार्ट करूंगी। बस कुछ नहीं, बस इसी तरीके से ध्यान से रखते हुए अच्छे तरीके से लपेटना है और लपेटते हुए नीचे की ओर जाना है। इसी तरीके से डंडी यहाँ से बनना स्टार्ट हो गए। इसी तरीके से वायर को लपेटते हुए नीचे आएंगे और उसके बाद क्या करते हैं वो देखिए। अब देख रहे हैं कि नीचे वाला जो आ गए हैं, जहाँ से 5 लाइन जब स्टार्टिंग का बनाए थे और उसके बाद एक एक करके वायर को बनाए थे, बस वहाँ पे हमको वहाँ तक लाना है और डंडी उसके बाद क्या करते हैं देखिए। अच्छे से यहाँ पे आप इसको बंद कर दीजिएगा ताकि यह पूरा ये अच्छे तरीके से सेट में रहे। तो देखिए ये टोटल लेके और यहाँ पे ये होल दिख रहा होगा, तो उसमें हमको सारे घुसा के ऊपर की ओर खींचने हैं, जिसमें कि हम फूल और पत्ती लगाएंगे। इस तरीके से बनाइएगा तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। आप देखिए कि कैसे ऊपर की ओर ये अच्छे से ध्यान में रखते हुए एक एक करके हमको उसी होल से सारे डंडी को बना बना के और ऊपर की ओर लाने हैं। आप देखिए कि और अच्छे से आप उसको टाइटली ऊपर की ओर कीजिएगा तो अच्छे से ये सेट हो जाएंगे और ये काफ़ी अच्छे लगेंगे देखने में। देख रहे हैं कि कितना अच्छा से ये सेट हो गए। और ये ऊपर का जो वायर आया है उसी में हम पत्ती लगाएंगे और फूल लगाएंगे और ये काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। आप देख रहे हैं कि इसमें ये टोटल बनाया हुआ है, इसी तरीके से हम इसमें पूरा बना लेंगे। तो बनाने के बाद आगे हमको ये फूल और पत्ती टोटल में लगा लेने हैं। तो आप देखिए इसमें ये टोटल बन गए हैं और ये देख काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी।